संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बोली जा रही है, मनुस्मृति लागू कराने की बात बोली जा रही है, कि आरएसएस जो है वो बम ब्लास्ट बनाने का कार्य करवा रही थी बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी साजिश के तहत। आपके पास तो कोई अडानी अंबानी और ऐसे बड़े बड़े जो चोर धन्ना सेठ हैं उनके एडवर्टीजमेंट नहीं आते हैं, उसके स्वयं के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं आरएसएस के लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी प्लानिंग की, बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग कैंप कराए, बॉम्ब बनाने की तैयारी कराई, और इस प्रकार की साध्वी प्रज्ञान सिंह पे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पे भी एफआईआर और चार्जशीट दर्ज हो चुकी है। ऐसी बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो खुद आरएसएस के पास मिलने जाते हैं, इनका नंबर 100% आएगा, इलियासी साहब का भी नंबर जेल जाने का आएगा, और यही आरएसएस के लोग पहुंचाएंगे। बैन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बताई गई है। वो प्रक्रिया अगर निष्पक्ष रूप से उसका पालन करके अगर बैन किया गया है तो वो कानूनी बैन है। अगर उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करके भेदभावपूर्ण से ये बैन लगाया गया है तो वो गैर कानूनी बैन होगा, और उसको जो इसका ट्राइब्यूनल होता है उसमें चैलेंज किया जाता है, और वो निरस्त भी होते हैं इस प्रकार के बैन के ऑर्डर्स जो। लेकिन पहली नज़र में एक बात नज़र आती है, जो भारत की संविधान का धारा 14 आर्टिकल 14 है वो सभी को बराबर की नज़र से देखता है और हर एक के साथ बराबर की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। PFI पे बैन करना सरकार का जायज़ होगा यदि PFI ने ऐसा कोई काम किया हो जो उन संगठनों से ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो ऐसे संगठन जो कि भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं और धर्म संसद करते हैं और ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे मारेंगे, उनके खिलाफ तो सरकार ने अभी तक इस प्रकार का कोई बैन का ऑर्डर नहीं किया है। तो इसका मतलब सरकार की नज़र में जो इस प्रकार के धर्म संसद करके संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बोली जा रही है, मनुस्मृति लागू कराने की बात बोली जा रही है, भारत की चुनी हुई सरकार के साथ बगावत करने की एक तरह से जो डायरेक्ट बात बोली जा रही है, ये इन संगठनों को बैन करने के लिए काफ़ी नहीं है ये सब गतिविधियाँ। तो अगर PFI ने बावजूद इसके कि वो हर जगह बोलते हैं कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, संविधान के माध्यम से ही अपने सारे कार्य करेंगे, तो बावजूद इसके अगर PFI ने इससे ज़्यादा कुछ किया है तो सरकार बिल्कुल जस्टिफाइड होगी इस PFI को बैन करने की, अदरवाइज़ ये सीधे सीधे पक्षपातपूर्ण रवैया होगा। तो पहले इस बात का पैमाना होना चाहिए कि ये जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो कत्ले आम करने की बात कर रहे हैं, जो भारत के संविधान को तोड़ के मनुस्मृति लागू करने की बात बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या बैन लगाने जाने की प्रक्रिया जारी है, और क्या इससे ज़्यादा PFI ने कुछ किया है या नहीं। सर कहा जा रहा है कि CBI के रास्ते पे चलना था PFI। मैंने क्या कहा है, अभी एक शिंदे साहब हैं, उन्होंने RSS का डायरेक्ट, वो एक RSS के कार्यकर्ता रहे हैं, NIA का एक केस चल रहा है पूना में, उन्होंने RSS के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का नाम लेके, CBI के ऑफिसरों का नाम लेके ये बात कही है कि RSS जो है वो बम ब्लास्ट बनाने का कार्य करवा रही थी बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी साजिश के तहत। तो ये जो गतिविधि है, ये क्या इस प्रकार की गतिविधियों में कोई और संगठन लिप्त है या नहीं है, तो मेरा कहना यह है कि बराबरी के साथ सबके साथ ट्रीटमेंट करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान ने सरकारों की लगाई है। अगर भारत के संविधान का उल्लंघन करके भेदभावपूर्ण से कोई कार्य किया जाता है तो उसको शक की नज़र से देखना उचित है, और उस पर शक और शुबा करना भी उचित हो। सर आपको क्या लगता है, भेदभाव हुआ है फिर ये कानूनी का? मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, तथ्य ये हैं, इन तथ्यों पे आपके दर्शक जो हैं, आप ईमानदार पत्रकार हो, आप कोई क्रिमिनल मीडिया तो हो नहीं मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह, आपके दर्शक भी ईमानदार हैं, कोई वो किसी एजेंडा के वाले तो है नहीं, आपके पास तो कोई अडानी अंबानी और ऐसे बड़े बड़े जो चोर धन्ना सेठ हैं उनके एडवर्टीजमेंट नहीं आते हैं, तो जो आपके दर्शक हैं वो लोगों के सामने मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक पक्ष ऐसा है
जिसके बारे में उसके स्वयं के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं आरएसएस के लोग। इन्होंने बड़ी बड़ी प्लानिंग की, बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग कैंप कराए, बॉम्ब बनाने की तैयारी कराई और इस प्रकार की साध्वी प्रज्ञान सिंह पे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पे भी एफआईआर और चार्जशीट दर्ज हो चुकी। तो ये आतंकवाद की कन्फर्म्ड जो केसेस हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके दूसरी तरफ पीएफआई ने क्या इनसे ज़्यादा कार्य किए हैं, क्योंकि इन संगठनों पे, आरएसएस पे तो सरकार ने कभी मूव नहीं किया ना, इस सरकार ने, कि इसको बैन करना चाहिए, इसके बारे में कोई विचार भी नहीं किया। सर, फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं आरएसएस की। मैं समझता हूँ इस देश में अगर सबसे ज़्यादा फंडिंग किसी के पास आ रही है देश से और विदेश से भी, तो आरएसएस और उसकी सहयोगी संस्थाओं के पास आ रही है। ये भी तथ्यात्मक बात है, इसके लिए भी मैं चैलेंज करता हूँ। एक नंबर से और पता नहीं दो नंबर से कितनी आ रही होगी, उसका हिसाब तो कोई ईडी या इनकम टैक्स ही लगा सकती है। एक नंबर से भी सबसे ज़्यादा जो आरएसएस के 1 लाख के करीब संगठन हैं उनके पास एक नंबर से देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी और सरकार के माध्यम से भी सबसे ज़्यादा जो है डोनेशन आ रही है। कोई तालमेल नहीं है। मनुवादी जो हैं अपने लोगों के पास जाते हैं, जो मनुवादी मानसिकता के, मुसलमानों में क्या मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं? मनुवादी मानसिकता के जब ही, तो जैसे होता ना एक दूसरे, जो एक जैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो भी एक मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो अपने लोगों के पास तो सब जाते ही हैं एक दूसरे से मिलने। अभी ये तो एक के पास तो चले गए, चलिए ठीक है एक के पास चले गए, लेकिन ऐसी बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो खुद आरएसएस के पास मिलने जाते हैं, तो वो सब भी मनुवादी मानसिकता के हैं और आरएसएस के एजेंट हैं। मगर एक बात मेरी ये है कि जो ये मुस्लिम समाज के जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, जो आरएसएस है बख्शेगी इनमें से एक को भी नहीं। इनका नंबर 100% आएगा, इलियासी साहब का भी नंबर जेल जाने का आएगा और यही आरएसएस के लोग पहुंचाएंगे। जैसे हमारे दूसरे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं बहुत सारे, वो लोग आरएसएस से मिलने गए, 5 दिन बाद उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, अभी तक जेल में, तो इलियासी साहब का भी नंबर 100% आएगा। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो अपने आप को धर्मगुरु या सोशल लीडर बनते हैं और वो आरएसएस के लोगों से साठगांठ रखते हैं, नंबर उनका भी आएगा, वो सब भी जेल जाएंगे, क्योंकि आरएसएस का जो संगठन है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों का संगठन है, बाकी सब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं और अपने पास सारी सभ्यता इकट्ठा करने का काम मनुवादी मानसिकता और जायनिस्ट मानसिकता पूरी दुनिया में करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है। पीसफुल प्रोटेस्ट आज की दुनिया में और आज के समय में भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है जिसका सब लोगों को प्रयोग करना चाहिए। 80% जो कार्य है आज के समाज में जो पीसफुल प्रोटेस्ट से होगा, आज की जो सिचुएशन चल रही है, 20% अदालत के माध्यम से या कोई पटिशन या दरखास्त लिख के अधिकारियों को होगा, ऐसा मेरा मानना। देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और रेड्स भी बराबर के हिसाब से होनी चाहिए, जिसने जितनी बड़ी चोरी की वैसे ही रेड्स होनी चाहिए, वैसे ही बैन होनी चाहिए। आरएसएस और इसके सहयोगी संगठन तो भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। देश की 1000 किलोमीटर चाइना ने धरती छीन ली, देश के अंदर जो ये सांप्रदायिक हिंसा फैला रही है आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, तो वो लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और चाइना जो है देश की सीमाओं पे और बड़ा खतरा पैदा कर सके। इसीलिए जो भी मनुवादी है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, मनुवादी और देशभक्ति का कोई लेना देना नहीं है। अम्बेडकरवादी जो है वही देशभक्त हो सकते हैं, जो अम्बेडकरवादी नहीं है उसको अपनी देशभक्ति जो है वो साबित करनी पड़ेगी। लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग और महिलाएँ प्राइमा फेशाई प्रथम दृष्टया देशभक्त होते हैं, बाकी सब लोगों को साबित करना चाहिए। देखिए, मीडिया ज़बरदस्ती, PFI इतना बड़ा संगठन भी नहीं है, CANR राज्यों में है सर। देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये पूरी जो अपोजिशन की पार्टी है, CANRC का तो एग्जांपल मैं आपको दे ही सकता हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, उसका इतना सामर्थ्य या ताकत नहीं है कि वो CANRC जैसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट करा सके। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी का, यहाँ तक कि BJP की भी इतनी ताकत नहीं है कि इतने बड़े बड़े, RSS की भी इतनी ताकत नहीं है इतने बड़े बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट करा सके। तो PFI की भी कोई ताकत नहीं है, किसी भी संगठन की कोई ताकत नहीं है इतने बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट कोई करा सके। ये तो CANRC का स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था
उसका नाम जो है एक तरह से ये बताने के लिए कि पीएफआई ने कराया, तो पीएफआई को गलत क्रेडिट दिया जा रहा है। वो देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की प्रोटेस्ट थे, क्योंकि उन्हीं सभी की नागरिकता छीनने के लिए मनुवादियों ने साजिश की थी। मुस्लिम महिलाओं ने सिर्फ उसे लीड किया, वो पूरे देश की आवाज़ थी। किसी पीएफआई संगठन की इतनी हैसियत और औकात नहीं है साफ साफ सुन लें कि सीएएनआरसी जैसे बड़े प्रोटेस्ट करा सकें। सरकार सिर्फ बहाना तलाश कर रही है इस बात को छुपाने का कि वो जनता की आवाज़ थी सीएएनआरसी के प्रोटेस्ट।